हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, काफ़ी दिनों से न्यूज़ चैनल पे अतीक अहमद और अशरफ की खबर बार बार रिपीट किया जा रहा था। हर वक्त न्यूज़ चैनल पे अतीक अहमद और अशरफ की खबर बताई जा रही थी। अतीक अहमद, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, अंडरवर्ल्ड डॉन इंडिया में उसका नाम अंडरवर्ल्ड डॉन के नाम से बताते हैं उसको। और उसने उस टाइम पर काफ़ी आतंक मचाया उत्तर प्रदेश में, उसने काफ़ी हत्या कराया, लोगों से वसूली किया। तो अभी फ़िलहाल मैटर ऐसा चला है कि जिसकी वजह से मुझे ये सब्जेक्ट मेरा है नहीं, लेकिन मुझे इस सब्जेक्ट पे वीडियो बनाना पड़ा है। क्योंकि मैंने हमेशा अपने वीडियो में बोला है कि कोई देश के अपोजिट या देश के अगेंस्ट में कोई बात होती है तो मैं हमेशा अपने वीडियो के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो अभी फ़िलहाल लेटेस्ट न्यूज़ ये आई है कि आपने तो ये आपको पता ही हुआ कि अतीक अहमद और अशरफ इन लोगों ने और उसके जो भी परिवार थे उन लोगों ने पुलिस ने उनको अरेस्ट किया था। काफ़ी दिनों से पुलिस कस्टडी में थे, जेल में थे। और आज दो दिन पहले अतीक अहमद का जो बेटा है उसका एनकाउंटर की उत्तर प्रदेश पुलिस ने, उसके साथ में गुड्डू करके उन लोगों का इनकाउंटर हुआ। और अतीक अहमद और अशरफ और उनके जो परिवार है उनको जो उनका अंतिम संस्कार होता है उसमें जाने भी नहीं दिया गया कानूनी सुरक्षा के वजह से। और आज ऐसा इंसिडेंट होता है कि इससे तो मैं तो नहीं, आप लोग भी शॉक्ड हो जाओगे ये इंसिडेंट कि अतीक अहमद और अशरफ को लेके जाते हैं हॉस्पिटल में मेडिकल के लिए और अचानक इतनी पुलिस आर्मी वाले लोगों के बीच में आके उन दोनों को ठोक के चले गए। तो दोस्तों, मेरे बोलने का मतलब ये है कि इनको तो पहले ही ठोकना चाहिए था। इन लोगों के जो काम थे, इन लोग जो काम करते थे, इन लोगों को तो पहले ही ठोक देना चाहिए था, इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन सवाल इस बात का मैं उठा रहा हूँ कि इतने आर्मी और इतने पुलिस वाले के बीच में इतने मीडिया वाले, 10-10, 20-20 मीडिया वाले उन लोगों से सवाल पूछ रहे, उनके बीच में उनको गोली मार के चले गए, उनको ठोक के चले गए। तो ये कैसी सुरक्षा थी पुलिस की और आर्मियों की, और ये क्या सुरक्षा है, ये सवाल मैं ये उठा रहा हूँ। और दूसरी बात, उन लोगों ने तो सरेंडर किए थे, वो लोग तो बोल भी रहे थे कि जो सजा होगी, जो कानून सजा सुनाएगा तो वो हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। तो फिर इतने लोगों में, इतनी मीडिया चैनल, इतने न्यूज़ रिपोर्टर वाले, वहाँ ऑन लाइव चल रहा सब चीज़, और इतनी पुलिस वाली, हज़ारों के हिसाब से पुलिस वाले हैं और आर्मी वाले हैं, और उनके बीच में आगे उनको ठोक के जा रहा है। तो जो ठोकने वाले वो भी आतंकवादी है मेरी नज़र में। क्योंकि देखो, कानून है कानून, रूल्स तो कानून तो जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। वो लोग अंडर कस्टडी में थे, पुलिस के कस्टडी में थे, कानूनी कार्रवाई उनके ऊपर चल रही थी, कानूनी तरीके से उनको फांसी की सजा हो या उम्र कैद की सजा हो ये कोर्ट तय करता था। लेकिन ये किसी का अधिकार नहीं है देश में कि इतने लोगों के बीच में आके वो भी गुंडागर्दी दिखा के गए ना, फिर तो वो भी गुंडे हो गए, वो जो तीन लोग ने इनकाउंटर किए, तो उनको भी ऐसी ठोको जैसे इन लोगों को ठोक रहे, उनको भी ऐसी ठोको। तो दोस्तों, मैं हमेशा देश के अगेंस्ट में अगर ऐसी कुछ बात होती है तो मैं अपने वीडियो के जरिए जरूर सवाल उठाता हूँ। और ये तो बहुत ही एक शॉकिंग रिपोर्ट है, क्योंकि इनको तो पहले ही ठोक देना चाहिए था। लेकिन ये काम पुलिस का था, ऐसे गुंडागर्दी के जरिए ये काम नहीं था। कानून की उसमें थे वो लोग, कानून पूरा जो भी था उन लोगों के, पुलिस सब चीज़ उनके साथ में थी, फिर कैसे इतने लोगों के बीच में आके उनको ठोक के चले गए। तो देखिए, आप भी ऐसे ऐसा चल रहा है हालात, अगर आपको ऐसा कुछ ऑब्जेक्शन, मेरे जैसा मैंने सवाल उठाया वैसा आपके भी दिमाग में कुछ सवाल है तो मुझे कमेंट में जरूर कर सकते हैं। कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब वगैरह नहीं करेंगे भी तो चलेगा, लेकिन कमेंट जरूर करिए, क्योंकि मैं हमेशा देश के खिलाफ ऐसी कुछ भी आवाज़ होती है तो अपने वीडियो के जरिए उठाता हूँ। जय हिंद।